लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने के बाद अब सभी को नई सरकार बनने का इंतजार है। जनता ने भाजपा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सरकार बनाने का बहुमत दे दिया है। इसके साथ कल दिल्ली में हुई एनडीए घटक दलों की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब इसके बाद मोदी सरकार 3.0 में पीएम मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। लेकिन इससे पहले भाजपा ने दिल्ली में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा की ये बैठक आज दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी पार्टी संगठन मंत्री बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उत्तराखंड के सीएम धामी दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके साथ कई अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री जगजीत देवड़ा और राजेश शुक्ला को भी दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी की इस मेगा बैठक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरी पार्टी की नजरें होंगी, जिसकी वजह रहेगी यूपी में लोकसभा चुनाव में पार्टी को कम सीटें मिलना, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी, जबकि 2019 के आम चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था और बीजेपी ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार राम मंदिर निर्माण और यूपी विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी बीजेपी पिछले 2 चुनावों वाला रिकॉर्ड कायम नहीं रख पाई और सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस बार के चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की कई वजह बताई जा रही हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यूपी में बीजेपी का खराब प्रदर्शन केंद्रीय नेतृत्व का सीएम योगी को नज़रअंदाज करना है, जिससे राज्य के राजपूत वोटर्स ने इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में भी सीएम योगी की पसंद के उम्मीदवार ना उतारना भी रहा है। इसके चलते सीएम योगी ने इस चुनाव में पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाया, जिसके चलते बीजेपी को इस चुनाव में भारी नुकसान हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व अब सीएम योगी से इस बारे में बातचीत कर सीएम योगी की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेगा।